चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिल्व पेड़ का महत्व बताने जा रहे हैं। भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या क्या फायदे होते हैं, पर बिल्व के पेड़ के पास ऐसा क्या करें कि आपकी किस्मत ही बदल जाए। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर करें। बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इस वृक्ष की स्तुति की है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, अर्थात अपने मस्तक पर हथेली से लेकर जल से गीला करता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस धरती पर पवित्र माना जाता है। इस बिल्व की पेड़ की क्यारी जल से भरा हुआ देखकर महादेव पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिव लोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जला कर रखता है, अर्थात दीपों की कतार लगा कर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पत्ते उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में प्रेम रखने वाले एक भगत को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घी से बना अन्न देता है, वह कभी भी गरीब नहीं होता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।